नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आप कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी की तलाश में हैं, जिसके लिए आप फॉर्म्स भर रहे हैं या फिर आप नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे किसी भी केस में आपको कहीं से भी अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो आप ईमेल का सहारा लेते हैं। इसके साथ ही आप अगर कोई लीगल मैसेज किसी को भेजना है या किसी से लीगल मैसेज रिसीव करना है तो भी आप ईमेल का ही सहारा लेते हैं। तो हमारे कुछ एक दोस्त हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनको ईमेल का या जीमेल का इतना पूरा नॉलेज नहीं है, जिसके चलते उन्होंने हमें ये कहा है कि हम उनके लिए जीमेल के बारे में पूरी जानकारी लेकर एक वीडियो बनाएं या फिर पूरी सीरीज बनाएं। तो हमारा मानना है कि अगर एक वीडियो के अंदर ये सारी चीजें सिखाएंगे तो हमको 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि ये जो पूरा जीमेल का नॉलेज है उसको हम पार्ट वाइज पार्ट एक सीरीज बनाकर आप तक पहुंचाएं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सीरीज आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप सीखेंगे कि जीमेल क्या होता है, किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उस अकाउंट को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, सिक्योर करने के बाद में आपको जो जीमेल के जो बहुत सारे फीचर्स हैं उनका किस तरीके से यूज करना है, और अगर आपका कोई पुराना मेल बना हुआ है तो वो अगर आप रेगुलरली नहीं चलाते हैं तो, और कोई नया अकाउंट बना लिया है जो कि आप रेगुलरली चलाते हैं, तो उस पुराने अकाउंट के जो मेल आते हैं उस मेल्स को आप नए अकाउंट पे किस तरीके से ले सकते हैं, ये सभी जानेंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से स्वाइप कर सकते हैं, स्नूज कर सकते हैं, मैसेज को स्टार कर सकते हैं, बल्क में मैसेज को कैसे डिलीट करेंगे, अगर आपके पास कोई अनवांटेड मेल आईडी से बहुत सारे मैसेज आते हैं या मेल आते हैं तो उनको अनसब्सक्राइब या अनफॉलो किस तरीके से करेंगे, ये भी जानेंगे इसके अंदर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस पहले वीडियो की, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ईमेल एक्चुअल में क्या होता है और जीमेल इतना फेमस क्यों है, जीमेल के किस तरीके से लिखा जाता है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, और साथ में ही हम आपको ये भी बताएंगे कि जीमेल के जो है इतनी पॉपुलरिटी क्या है और जीमेल की जो सर्विस प्रोवाइडर है ऐसे सिमिलर सर्विस प्रोवाइडर और कौन कौन से हैं, जैसे कि याहू है, हॉटमेल है, आपका आउटलुक है, उसके बाद में जोहो है, उसके बाद में जीमेल जो इतना फेमस है, इन सभी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एमकेएसएम टेक गाइड। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ में ही अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, उम्मीद करते हैं। और साथ में ही शुरुआत करते हैं इस पहले वीडियो की। चलिए तो देखते हैं कि ईमेल जो होता है एक्चुअल में क्या होता है। देखिए ईमेल एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल को हम ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम जो मैसेज भेजेंगे उसी को हम ईमेल भेज बोलते हैं। आजकल जैसे मोबाइल से भी व्हाट्सएप से मैसेज भेजते हैं या फिर नॉर्मल मैसेज भी भेज सकते हैं, वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपको एक जगह से कहीं पे भी दूसरे किसी व्यक्ति को मेल भेजना है तो आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए जिसमें आप मोबाइल यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, और साथ में ही आपको चाहिए इंटरनेट, क्योंकि ये जो मैसेज डिलीवर होता है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो देखिए एक जो ईमेल होता है वो एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, इंटरनेट बेस्ड सर्विस है जिसको आप कहीं पे भी मैसेज एक्सचेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे मेन जो बात होती है इसके अंदर ये होती है कि इसके अंदर किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार सर्विस प्रोवाइडर से एक अकाउंट बना लिया, उसकी अकाउंट के माध्यम से आप जो है कभी भी मैसेज भेज सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, जैसे कि आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजना है तो आपको किसी पोस्ट बॉक्स में जाना पड़ेगा या फिर स्पीड पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो पोस्ट ऑफिस क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, एक भेजने वाला फर्स्ट पार्टी, एक रिसीव करने वाला सेकंड पार्टी, और ये जो मीडिएटर है वो है थर्ड पार्टी। तो इसमें इस तरीके की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे क्या है, कि थर्ड पार्टी की आवश्यकता यहाँ पे मैसेज डिलीवरी के लिए जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ पे मैसेज भेजेंगे या फिर कोई भी लेटर भेजेंगे, कोई भी आपका जो भी ईमेल लिखेंगे उस वो जो है एज ए इक्विवेलेंट लेटर माना जाएगा। इसके अंदर हार्ड कॉपी का कोई रोल नहीं होता है कि आप यहाँ पे किसी हार्ड कॉपी को भेजेंगे, यहाँ पे सब जो डिलीवर होता है वो सॉफ्ट कॉपी में होता है। चाहे आप अपना कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजें या फिर टाइप करके भेजें कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई
आपका जो इंफॉर्मेशन है वो सब जो डिलीवर होगा वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर होगा, इसके अंदर हार्ड कॉपी का कोई भी रोल नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखते हैं कि जो ईमेल होता है उसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, ईमेल को जो है मोस्ट पॉपुलर क्यों माना गया, ईमेल के इतने एडवांटेज क्या है। देखिए ईमेल जो है इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि ये फास्ट डिलीवरी देता है। जैसे ही आप यहां से अगर कोई मैसेज टाइप करके मैसेज को सेंड कर देते हैं, सेंड करने के विद इन 2-3 सेकंड में ही रिसीवर के पास पहुंच जाता है अगर आप दोनों का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। दूसरा फायदा इसका यह है कि ये 24/7 काम करता है, यानी कि आपको कभी भी ये फेस नहीं करना पड़ेगा कि आपका मैसेज डिलीवर नहीं होगा, इस टाइम पे नेट बंद है, या इस टाइम पे आप मैसेज नहीं कर सकते, या फिर इस डे को मैसेज नहीं कर सकते, इस डेट को मैसेज नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। आप कभी भी कहीं से भी मैसेज कर सकते हैं। तीसरा इसका फायदा यह है कि एक आदमी जो है एक साथ एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा सकता है, और ठीक है बहुत सारे लोगों को पहुंचा सकता है। उसके बाद में सबसे मेन फायदा इसके अंदर है कि इसके अंदर अगर आपने एक बार अकाउंट बना लिया तो उसके बाद में आपको कोई भी पोस्टल टिकट या अलग अलग मेल के लिए किसी भी तरीके की अलग अलग सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं रहती है, या फिर अलग अलग परमिशंस की जरूरत नहीं होती है, किसी भी पोस्टल टिकट की आवश्यकता नहीं होती है, और साथ में ही आपको कोई भी पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी लेटर बॉक्स में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से ईमेल जो है वो फिजिकल मेल यानी कि जो एक्चुअल में हम कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं उससे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम आपको बताएंगे कि जो ईमेल का कोई भी अकाउंट होता है, सर्विस प्रोवाइडर चाहे कोई भी हो, अगर आप कैसे पहचानेंगे कि ये ईमेल एड्रेस है। ठीक है, किसी व्यक्ति का ईमेल एड्रेस ही है, और कुछ फंडा लगा के आप ये भी जान सकते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए ईमेल का जो अकाउंट बनता है या किसी भी आप सर्विस प्रोवाइडर से एक अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो लगभग सेम होता है। वहां पे क्या होता है, जैसे आपको सबसे पहले एक यूजर नेम मिलेगा, जैसे मेरा नाम है एम के सैनी, तो मैं यहाँ पे एम के सैनी रखूंगा। उसके बाद में एट का साइन सभी मेल आईडी के अंदर रहेगा, चाहे आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का मेल आईडी लेते हो। एट यहाँ पे होता है एक एड्रेस साइन, ये एड्रेस असाइन करता है जैसे कि किसको, जैसे यहाँ पे xyz.com है, xyz.com है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी बताता हूँ, mksaini@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ mksaini@gmail.com। अब इसके अंदर आप पहचानिए, देखिए यहाँ पे जो एम के सैनी वर्ड है, यहाँ पे ये जो एम के सैनी है ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, ये मेरा नेम है, यूनिक है, ये यूनिक नेम होता है सभी लोगों के पास। उसके बाद में एट साइन जो है वो असाइन करता है एड्रेस को, किस कौन से एड्रेस को, जीमेल के एड्रेस को। ठीक है, ये जीमेल के एड्रेस को साइन करता है। तो ये जीमेल क्या है, जीमेल एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है जो गूगल का फीचर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किस तरीके से पहचानेंगे कि जो पहले एट से जो पहले रहता है वो रहता है यूजर नेम, उसके बाद में एट आ जाएगा कंपलसरी है, वो हर मेल एड्रेस के अंदर रहेगा, उसके बाद में जीमेल रहेगा या फिर yahoomail.com रहेगा या फिर hotmail.com रहेगा। ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप इस अकाउंट के माध्यम से मेल भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप जब भी किसी को ईमेल का जो एड्रेस भेजें तो हमेशा स्मॉल लेटर में ही भेजें, क्योंकि मेल का जो एड्रेस होता है वो स्मॉल लेटर में ही होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि जैसे जीमेल है वैसे ही और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैसेज या ईमेल भेजने और रिसीव कराने के लिए। ठीक है, सबसे पॉपुलर है आपका जीमेल। ठीक है, उसके बाद में हॉटमेल है, याहू मेल है, प्रोटोमेल है, mail.com है, AOL है, जोहो मेल है, आई क्लाउड मेल है, उसके बाद में GMX है, और भी बहुत सारे हैं जिनके लोगोज आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये आपको एक अकाउंट बना के देते हैं या फिर अकाउंट आप इस सर्विस प्रोवाइडर से बनवा सकते हैं, ऑनलाइन बनता है, उसके लिए भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इनकी वेबसाइट पे जाइए और यहाँ से एक ईमेल का एड्रेस बना लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो जीमेल होता है वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया बाकी सर्विस प्रोवाइडर की तुलना में।
तो देखिए, जीमेल का जो सर्विस पॉपुलर होने का ये सबसे मेन रीजन है कि ये एक तो फ्री मेल सर्विस देता है, यानी कि किस किस कॉरपोरेट लाइफ में काम करो या फिर नॉर्मल लाइफ में आप कितने भी मैसेज या मैसेज भेजो, इस सब के कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो ये सबसे मेन रीजन था कि गूगल जल्दी पॉपुलर हो गया। उसके बाद में जो ईमेल का मार्केट है उसका 43% मार्केट गूगल के पास है, तो वो भी इसका एक रीजन है कि जल्दी ही जीमेल पॉपुलर हो गया। उसके और भी रीजन है, जैसे कि ये एंड्रॉयड बेस्ड काम करता है, यानी कि एंड्रॉयड फीचर्स के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट एक गूगल का अकाउंट मिलता है। बाय डिफॉल्ट नहीं, मतलब गूगल के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, उनको रन करने के लिए आपको जीमेल की ही आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपको यूट्यूब चलाना है, आपको यूट्यूब के ऊपर कोई यूट्यूब का अपना अकाउंट बनाना है, या फिर आपको जीमेल भेजना है, गूगल ड्राइव का यूज करना है, इसके साथ साथ आपको गूगल फॉर्म का यूज करना है, तो इन सब के लिए आपको जीमेल की आवश्यकता होगी। इसलिए ये सब जो है पॉपुलर जल्दी हो गया। उसके बाद में आपको जो है स्मार्टफोन जो है एंड्रॉयड बेस्ड है, उनके अंदर भी ये आपको बहुत काम आता है, इसलिए भी ये जो है जल्दी पॉपुलर हो गया, क्योंकि आजकल सभी मोबाइल जो है वो लगभग एंड्रॉयड बेस्ड होते जा रहे हैं। या फिर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 71% जो है लोगों के मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड बेस्ड है, इसलिए गूगल जल्दी पॉपुलर हुआ। उसके बाद में देखते हैं कि जो जीमेल का और जो है मेन रीजंस क्या है जीमेल के जो है पॉपुलर होने के, उसके अंदर क्या है। ये तो ये यूजर फ्रेंडली है, मतलब इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके का बनाया गया है कि कोई भी इसको समझ सकता है, कोई भी इसका यूज कर सकता है और बहुत ही आसानी से इसको चला सकता है। इसके अंदर स्पेस भी बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि 15 GB का स्पेस इसके अंदर मिलता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं मेल रिसीव करने के लिए, भेजने के लिए और अपने डॉक्यूमेंट को सेव रखने के लिए। उसके बाद में इसके अंदर स्पैम फिल्टर दिया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी अनवांटेड मेल आते हैं तो उनको आप फिल्टर कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में साथ में इसके अंदर सर्च ऑप्शन है, आप अलग अलग जैसे इनबॉक्स का मेल सर्च करना है, सेंट का, आउटबॉक्स का, इस तरीके से कोई भी मेल अगर आपको किसी मेल आईडी से, किसी नाम से, किसी कोई भी स्ट्रिंग लगा के, कोई भी स्ट्रिंग लगा के आप इसके अंदर से कोई भी मेल को सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें थ्रेडिंग का फीचर्स दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जीमेल जो है ज्यादा पॉपुलर हुआ बाकी मेल्स की तुलना में। उसके बाद में देखिए हैं कि जी जो ईमेल होते हैं, एक्चुअली ईमेल जब हम किसी को लिखते हैं तो ईमेल कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, ईमेल लिखने के जो तरीके होते हैं लगभग तीन तरीके होते हैं। तीन तरीकों में कौन कौन से हैं, एक है फॉर्मल तरीका, एक है सेमी फॉर्मल तरीका और एक है हमारा फॉर्मल तरीका, यानी कि ये इनफॉर्मल तरीका, सेमी फॉर्मल तरीका और फॉर्मल तरीका। जब इनफॉर्मल तरीका हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे किसी फैमिली वाले को मैसेज भेज रहे हैं या फिर किसी फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं, किसी फ्रेंड को मेल भेज रहे हैं या फिर किसी रिलेटिव को मेल भेज रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ज्यादा कुछ विधि नहीं लगाते हैं, नॉर्मल अपना मैसेज लिखते हैं और सेंड करके भेज देते हैं। सेमी फॉर्मल का आप मेथड कहाँ पे यूज करेंगे, जैसे कि आप अपने किसी कलीग एम्प्लॉय मतलब जो आपके साथ में काम करते हैं उनको अगर कोई मेल करना है तो वहां पे आप थोड़ा सा फॉर्मल तरीका लगाएंगे, तो थोड़ा सा फॉर्मल तरीका मतलब सेमी फॉर्मल हो जाता है। आप अपने टीममेट्स को जब कोई मेल भेजते हैं तो उस जगह पे भी आप जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका यूज करेंगे, किस तरीके से आपको सैल्यूटेशन यूज करना है, कैसे सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में एंड सेंटेंस कैसे रखना है और उसके बाद में सिग्नेचर वगैरह आप लगाते हैं, तो ये सेमी फॉर्मल तरीका हो जाता है मेल भेजने का। उसके बाद में फॉर्मल तरीका मतलब एक प्रॉपर तरीके से अगर आपको मेल भेजना है तो जैसे कि आप कहाँ यूज करते हैं मोस्टली, जैसे आप किसी हेड को मैसेज भेजना, किसी डिपार्टमेंट के हेड को, या फिर अपने किसी सुपरवाइजर को मेल भेजना, या फिर किसी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी को आप कोई भी मेल भेजते हैं, तो वहां पे आप पूरे प्रॉपर तरीके से आप सब्जेक्ट चुनते हैं, उसके बाद में सैल्यूटेशन चुनते हैं, उसके बाद में आप जो है ओपनिंग सेंटेंस अच्छा रखते हैं, उसके बाद में आपका जो मेल का बॉडी होता है जहां पे आप मेन मैसेज लिखते हैं वो भी आप अच्छी तरीके से टाइप करते हैं, और उसके बाद में अपना सिग्नेचर लिखते हैं, तो इस तरीके से पूरा फॉर्मल तरीके से आप जो है अपना मेल भेजेंगे। तो इस तरीके से आप मेल लिखेंगे। उसके बाद में जो हम बताते हैं कि आपको कि कोई भी अगर आप किसी को भी मेल भेजते हैं और फॉर्मल तरीके से मेल भेजते हैं तो उसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं या फिर क्या क्या आपको लिखना रहता है, तो आपका मेल जो है पूरा प्रॉपर फॉर्मल तरीके से लगता है। देखिए, कोई भी मेल अब भेजते हैं, ये जो चीजें हैं इन चीजों के अंदर हम आपको आने वाले तीसरे वीडियो के अंदर बताएंगे कि ये जब टू का कहाँ यूज करना है, सीसी का कहाँ यूज करना है, बीसीसी का कहाँ यूज करना है और इसका क्या मतलब होता है और इनके अंदर क्या लिखा जाता है, क्या करना होता है इनका और कब इनका यूज करना होता है। अभी हम बात करते हैं यहाँ से, इसके जो नीचे का पार्ट है जहाँ पे हम मेल लिखते हैं उसके अंदर। देखिए, हम सबसे पहले जो है लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है हमारा मेन मुद्दा होता है जिसके लिए हम आप किसी को भी मैसेज भेज रहे हैं या किसी को जो मेल कर रहे हैं वो
उसका टाइटल क्या है, वो एक तरीके का टाइटल है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सैल्यूटेशंस यूज करते हैं, जैसे कि हेलो सर, हाय सर, या डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके के जो वर्ड से हम क्या करते हैं, हमारे मेन मेल को शुरुआत करते हैं। उसके बाद में हमारा जो है मेल बॉडी का ओपनिंग सेंटेंस होता है, ओपनिंग सेंटेंस के साथ ही हमारा जो मेन मैसेज होता है वो भी होता है। तो यहाँ पे हम वो मैसेज लिखते हैं जिसके रिगार्डिंग हम किसी को मेल कर रहे हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे एक क्लोजिंग सेंटेंस लगाते हैं कि आप किस को ये सब पढ़ के अच्छा लगा होगा, तो इस तरीके का सेंटेंस हम यूज करते हैं। उसके बाद में हम जो है सिग्नेचर यहाँ पे दे देते हैं कि ये मेल जो है हमने भेजा है, हमारा प्रॉपर तरीके से हमने ही भेजा है इसके लिए, तो सिग्नेचर दे देते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना मेल को फॉर्मेटिंग करेंगे, मतलब जब भी मेल लिखेंगे तो फॉर्मल तरीके से लिखना होगा, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम जान लेते हैं कि कुछ एग्जांपल सैल्यूटेशंस के, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी मेल का अगर शुरुआत करते हैं तो सैल्यूटेशन लगा के यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जैसे डियर सर, या सर, मैडम, डियर मैडम, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मिस्टर राहुल, हेलो मिस्टर सिन्हा, हेलो मिस्टर गुप्ता, इस तरीके का, या फिर रिस्पेक्टेड सर, ये सब वर्ड हम जो है यूज करेंगे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये सैल्यूटेशंस के एग्जांपल है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर ओपनिंग सेंटेंस करना है, जैसे मान लो सैल्यूटेशन लिख दिया, उसके बाद में हम सामने वाले का हालचाल पूछ लेते हैं, या फिर उम्मीद कर लेते हैं कि जैसे कि आई होप यू आर हैविंग अ वंडरफुल डे, इस तरीके के जो ये एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, इस तरीके के सेंटेंस से आप जो है अपने मेल का ओपनिंग करेंगे, ठीक है। ओपनिंग करने के बाद में आप जो है अपना मेल का जो एंडिंग वर्ड होता है, जैसे कि पूरा मैसेज लिखने के बाद में भी आप उससे उम्मीद करते हैं कि आप रिप्लाई करेंगे, या फिर इस तरीके का जो वर्ड आपको लिखना रहता है कि जैसे बेस्ट विशेस, थैंक्स अगेन, या फिर हैव अ प्लीजेंट डे अहेड, इस तरीके के जो वर्ड यूज करेंगे आप मेल को एंड करने के लिए। एंड करने के बाद में आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर और लोगो आप यहाँ पे बना सकते हैं, लोगो किस तरीके से भेजेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना मेल का स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप दूसरे वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक गूगल के ऊपर जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, जीमेल के अकाउंट को किस तरीके से चलाते हैं। बाकी सभी वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में ही आपको करना है इस वीडियो को शेयर, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे और किस तरीके से हम जो है जीमेल का जो है पूरे फीचर्स का यूज कर सकते हैं और अच्छी मेल भेज सकते हैं और अपना इम्प्रेशन जमा सकते हैं। धन्यवाद।